लॉकडाउन के टाइम पे भी लोग छोड़ रहे हैं, देख लो काम धंधे पिटे पड़े हैं, पर इनको बिल लेने ही लेने हैं। गरीब बंदा कहाँ जाए यार, कहाँ जाए गरीब बंदा बताओ। लेना हेलो बोल, हेलो हेलो भाई, नहीं हेलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, फतेह। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सीन कुछ ऐसा हो गया था, सुबह जब मैं व्लॉगिंग कर रहा था तो घंटी बजी तो हम बिजली वाले बिल वाले आ गए, तो उन्होंने मेरा पूरा व्लॉग खराब कर दिया। तो मैं दोबारा से टेक टू ले रहा हूँ, टेक टू लेके दोबारा व्लॉग बना रहे हैं, जिनकी स्टार्टिंग मेरी मम्मी ने करी है। तो बस सीन कुछ ऐसा था, सुबह मेरे को जाना था, पहले तो मैं आप जल्दी तैयार हो ही जाता हूँ डेली, वो तो कह रहे कोई बात नहीं है। तो आज हमें जाना था पहले तो पापा को लेके हॉस्पिटल किसी एक डॉक्टर है अच्छे, उनको दिखाना था, क्योंकि दो तीन दिन से उन पे मतलब काफ़ी वीकनेस चल रही है ना। वी तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुखार वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ वीकनेस आई हुई है। बाकी आजकल किसी हल्का सा कुछ होता है तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। तो एक डॉक्टर अच्छा था तो हमने सोचा था वहाँ जाके दिखा देते हैं। तो फिर बाद में पता लगा कि आज संडे है और आज तकड़ा लॉकडाउन है, हम यहाँ से 1 किलोमीटर आगे भी नहीं जा सकते। और मेन चीज़ ये है, मेरे को लाइसेंस नहीं है, तो गाड़ी तो मेरे को लेके जानी थी। तो वो मुझे रोक लेते पुलिस वाले, भाई कहाँ जा रहे हो। वो मेन चीज़ हमें यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती, तो उनको समझाए हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। तो पापा एकदम ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कल सुबह उठ के, कल मंडे का सुबह उठ के चले जाएंगे हम। आ चुका है, बस ये तैयार हो रहा है, इसको बस 10-15 मिनट और लगेंगे। क्या क्या मतलब रोजी और अलग की दोस्ती अब इतनी गहरी हो चुकी है ना, ये देखो कैसे घूर रही है उसको और ये इसको कैसे घूर रहा है, इतना प्यार बन चुके हैं दोनों। भाई जल्दी चल यार, लेट हो रही है यार, पता ही नहीं यार, हमेशा लेट करता है यार। हैं किसको भेज रहा है श्री, किसको भेज रहा है श्री, मामा से हाल चाल पूछ ले, चल ठीक है ना, ठीक है हम जा रहे हैं, बाय बाय बाय, आपको भी बाय, रोजी को भी बाय, मिलते हैं 2 घंटे बाद। अभी हम एक छोटी सी दुकान में आए हैं क्योंकि हमें मास्क चाहिए थे अपने, हमारे होटल में जितना भी स्टाफ है सबका। अभी तो ये ले लेना यार, ये N95 वाला, ये मास्क सबसे बड़े लगते हैं, एक दिन में एक पहनो। ऑपरेशन करने जा रहा है क्या तू किसी का है? तो भाई आपसे ऑपरेशन भी करेगा, तो भाई आपसे ऑपरेशन भी करेगा, भाई ने ऑपरेशन वाले मास्क ले लिए। 150 पैकेट, थोड़ा आंटी थोड़ा डिस्काउंट देना, नहीं देती डिस्काउंट क्या यार आंटी, यार गजब आंटी है तू यार, नको डिस्काउंट देती है। तो गाइस आज हमारा बढ़िया करके पोपड़ बन चुका है, क्यों, क्योंकि ऐसे आज हम तैयार शहर हो गए आए थे कि व्लॉगिंग करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे आए हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला व्लॉगिंग करने का, बस जस्ट अभी फ्री हुए हैं, 5 मिनट पहले खाना खुना खाया तो अब फ़ोन पकड़ा है, बस जस्ट अभी पाँच मिनट हुए फ़ोन पकड़ा, अलग तो अभी भी बिजी है। कैसे हो आप सब लोग, ये शायद मेरा पहला व्लॉग है जिसपे मेरे को 2 दिन लग गए हैं, क्योंकि कल हमने बनाना स्टार्ट तो कर दिया था पर हम मतलब हम इतने बिजी हो गए थे कि हम व्लॉग को पूरा बना ही नहीं पाए। तो आज मैं फिर दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अपने पापा को लेके जा रहा था कल डॉक्टर के पास दिखाने के, तो मैं अभी लेके जा रहा हूँ, हमने उनसे बात कर ली थी तो वो लोग यहीं पर आ गए, पापा को देख लेंगे और उन पर जो भी पापा का चेक करना है कोविड का जो भी होगा वो यहीं हो जाएगा, घर पर हो जाएगा सब, तो हमें बाहर जाने की कोई मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो वो यहीं पे आके चेक कर लेंगे। पापा ठीक हैं, ज़्यादातर कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, 80-90% पूरे ठीक हो चुके हैं, और जो थोड़ी वीकनेस आई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ी वीकनेस आई थी तो बस उनको दिमाग में वहम हो जाता है कि यार ये हुआ है वो है जो भी है, वहम मारने के लिए सब करना पड़ता है। तो बाकी मैं दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं सारे, मम्मी रोटी बना रही है, अंडा कढ़ी,
प्रोसेसिंग में चल रहे हैं पूरे, आलू उबल गए हैं, चावल रखे हैं, चावल अंडे चावल ये अंडे उबल रहे हैं और मसाला तैयार हो गया, अंडा कढ़ी बन गई, पता ही होगा सबको दारू में अंडा कढ़ी, हमारी फैमिली में अंडा कढ़ी चिकन कढ़ी डेली सब यही बनता है, तो कोई नई बात तो है नहीं इस पे। अब मैं आपको जा रहा हूँ मिलाने मेरे घर के सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बंदे से, बंदे से बंदी से, आ जल्दी, आ रही नहीं आ रही तू, ये देखो कहाँ छुप के बैठी है, कुछ खा रही है ना तू, कुछ तो खा रही है तभी ऐसे बैठी है, आ जल्दी आ, ले ले केला ले केला ले, रोजी कम, अरे भूखी, आओ 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 आओ। गाइस आज हमारा फिर से बड़े करके पोपट बन चुका था, हम आज सुबह से वेट कर रहे थे कि वो घर पे आएंगे चेक करेंगे, पर उन्होंने आखिरी टाइम पे धोखा दे दिया, उन्होंने कहा कि आप ही को आना पड़ेगा, हमारी जो पीपी किट वगैरह अवेलेबल नहीं है वो मतलब हम मतलब लेके नहीं आए साथ में, तो आप ही वहीं पे आओ, तो अभी हम जस्ट आए पापा को लेके यहीं पे, तो अब जा रहे अंदर देखते हैं क्या होता है। तो भाई जी टेस्ट हो गया, बढ़िया करके टेस्ट हो गया, चार पांच रिटेक लगे हैं, कोई नहीं, मैंने बोला था कि आपको आदत है, आपने दो तीन बार पहले भी दिया तो हो जाएगा आराम से, तीन चार रिटेक लगे हैं, जैसे विकास नगर में कर रहे थे ना दो मिनट में हो जाता था, यहाँ पे हुआ ही नहीं है, तीन चार बार हुआ है, नाक पे जब डाल रहे थे काफी दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे आसानी से हो जाता था। तो गाइस अभी हम जैसे आए बाजार से तो काफी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा मैगी बना लेता हूँ, क्योंकि और तो कुछ आता नहीं बनाने, आता तो बहुत कुछ है पर अभी कुछ और बना नहीं सकता। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, और जो भी रिपोर्ट रहेगी वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, ध्यान रखो अपना।